कहाँ है कुत्ता? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। शक्ति देवी आप क्या बात कर रही हैं? देखिए ना सामने तो है, देखिए ना। अरे नहीं, मुझे तो कोई कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मुझे कुत्ता दिखाई दे रहा है तो इन्हें। अरे है कहाँ कुत्ता? अरे ये देखिए ना सामने तो है। कहाँ गया? अभी तो यही था। राहुल, क्या हुआ? पकड़ लिया? नहीं, अभी तो मेरी आंखों के सामने ही था। पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। अपने समझ के दिए में जरूरत से ज्यादा तेल डालोगे तो वो दिया बुझेगा ही। तुम मानो न मानो, दुनिया मानती है, इस मंदिर में काल भैरव भगवान का वास है और अक्सर उनके भक्तों को उनके वाहन श्वान का आसपास होने का आभास होता है। राहुल, तुम पर काल भैरव भगवान की कृपा है, इसीलिए पूरी रात इस मंदिर में काटने के बाद भी तुम जिंदा बाहर आए हो। और अब तो तुमको, सिर्फ तुमको उनके वाहन श्वान का दर्शन हुआ है। जय काल भैरव। तो इसका मतलब गांव वालों की तरह इस मंदिर में होने वाली सारी घटनाओं को आप सच मानती हैं? तुम्हारे या मेरे मानने या ना मानने से क्या सूरज निकलना बंद कर देगा? नहीं ना। वैसे इस मंदिर से जुड़ी हुई सारी बातें, उन पर मेरा पूरा भरोसा है, वो सब सच है। और इसी सच्चाई की परतों को मैं खोलने आया, तो उस हिसाब से तो आपको मेरा साथ नहीं देना चाहिए। राहुल, ये परते तुमसे, मुझसे या दादा ठाकुर से कभी ना खुल पाए, उल्टा गांठ पड़ जाए। काल भैरव अंतर्यामी है, यदि उनका आशीर्वाद मिले तो एक झटके में पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ जावे, और यदि वो ना चाहे तो पूरी जिंदगी भूल भुलैयों के लपेटे में रह जाओगे। चलो इसी बात पर काल भैरव भगवान का प्रसाद खा लो। हेलो, मिठाई समझ के खा लो। बताइए इतना कुछ हो गया? लड़के पे कुछ फर्क ही नहीं। क्या करें इस राहुल का। ठीक है, जाओ सब लोग। खुले घाव से ज्यादा चुभ रहा है ये छोरा। दादा ठाकुर ने तो कह दिया कि दिन में दिखे सो दिखे, रात के समय मंदिर के इर्द गिर्द भटकना भी मत। अब तुम ही बताओ, तुम चौकीदार बनकर कब तक पहरेदारी करोगे? मेरी मानो तो उसे रात में मंदिर के पिछवाड़े बुलाकर उसकी जीवन जीवड़ी काट दो। लोगों को लगेगा कि काल भैरों का प्रकोप उसके माथे पर बरसा है। सांप भी मर जाएगा और लाठी काल भैरों की होगी। मामला पूरा। ये रख लो पीस की गांव के शुद्धिकरण के लिए, और प्रसाद मिलेगा, मैं लाकर दूंगा ना। कौन है वहां? जी वो प्रणाम दाता ठाकुर। यहाँ क्या कर रही हो?
संदेश, वो बाबूजी का संदेश लाई हूँ। क्या संदेश है? कार्तिक कालाष्टमी, वो कल काल भैरव भगवान का जन्मदिन है ना, तो हर साल की तरह कल भी सिंदूर पूजा होगी। सुबह 9 से 10 तक का मुहूर्त निकला है, बाबूजी ने यही बताने के लिए कहा था। ठीक है, हम आ जाएंगे सुबह, पुजारी जी से कह देना। जी। दाता ठाकुर, हर साल ये सिंदूर पूजन आपके हाथों हुआ है, लेकिन इस बार शक्ति ठाकुर अपना पूरा जोर लगा दे, ये पूजन उन्हीं के हाथों। लगाने दो सर, बच्चों के पत्थर मारने से आसमान के तारे टूटकर जमीन पर नहीं गिर जाते। कई सालों से ये पूजा हम करते आए हैं, इस साल भी ये पूजा हम ही करेंगे। रात को मंदिर के पिछवाड़े बुलाकर उसकी जीवन चूड़ी काट दो। कारी वो क्या हुआ? कौरी तुमसे नाराज है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो, पर दोष मेरा ही तो है, उसके भोलेपन का फायदा उठाया मैंने, अपने मकसद के लिए मैं सब कुछ भूल गया, कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। एक बार भी गौरी के बारे में नहीं सोचा मैंने, नंदू बनकर धोखा देता रहा उसे, इस सब में उसका क्या दोष था? कहते हैं कि मन की बात बोल देने से ना मन का बोझ हल्का होता है। तुम गौरी से बोल क्यों नहीं देते? काल भैरव भगवान उस पापी को नरक में भी जगह ना दे नास्तिक, पूरे गांव को अशुद्ध कर दिया उस नंदू, क्या नाम है, राहुल, उस अधर्मी को मंदिर में प्रवेश दिलाकर काल भैरव भगवान का अपमान किया है शक्ति देवी ने, पूरे गांव को पाप का भागीदार बना दिया है उसने। देख गौरी, तू उससे दूर रहना। गौरी देख बेटा, तू बहुत भोली है, ऐसे घाघ लोगों से दूर रहना ही ठीक है। पर माँ वो उसको, गौरी उसने मजाक उड़ाया है हमारे मंदिर का, हमारी भक्ति का, और इसके बाद भी अगर तू उससे मिली या उसके साथ दिखी ना तो पूरे गांव में तेरे माँ बाप सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। गौरी समझना तो इसे पड़ेगा ही कलावती, दाता ठाकुर के खिलाफ आज तक कोई इस गांव में नहीं किया है, और ऊपर से जब से ये शक्ति देवी इस गांव में आई है बात और भी बिगड़ गई है। देख गौरी, तो उस राहुल से मिलना बंद कर दे। इतनी कमजोर ना है आपकी गौरी बाबूजी, ये किसी के भी झांसे में आ जाए। आपके दिए संस्कार अब तक नहीं भूली हूं, कोई रिश्ता ना रखूंगी इससे, सोचूंगी कभी किसी नंदू से मिली ही नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? अभी भी गौरी के बारे में ही सोच रहे हो? नहीं, मेरे मन में कुछ सवाल है, उन्हीं का जवाब ढूंढ रहा हूं। ये शक्ति देवी ठाकुर एक अजीब सी पहेली की तरह सामने आ गई, वो काल भैरव भगवान और इस मंदिर को मानने वाली,
और मैं एक नास्तिक, फिर क्यों वो मेरी मदद कर रही है, वो भी सारे गांव वालों के खिलाफ जाकर। और सबसे बड़ी बात तो ये कि दाता ठाकुर जैसे इंसान भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहे। पर राहुल जो भी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि शक्ति देवी का इस गांव में आना तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका साथ लेकर आया है। अब तुम सिर्फ इस गांव में नहीं रह सकोगे बल्कि उस मंदिर के अंदर भी जा सकोगे। बस अब सही मौका देखकर तुम्हें अपने इस मिशन को पूरा करना है। सही कहा तुमने। शक्ति देवी से ज्यादा मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि इस बंद मंदिर में वो कुत्ता और वो रहस्यमय परछाई वाले लोग कहाँ से आते जाते हैं, कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं। नम्रता, काफी देर हो गई, भाभी घर पर चिंता कर रही होंगी, हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। जासूसी करने का बड़ा शौक है तुझे, हैं? मंदिर का रहस्य जानेगा। बेटा अब तुझे सीधे ईश्वर के पास भेजूंगा, उन्हीं से पूछ लेना मंदिर का रहस्य। अरे अरे, कहां घुसी आ रही है आप, दिखाई ना दे, आज दुकान बंद है। लेकिन दुकान तो खुली है। पर तुम्हारे लिए बंद है, इस गांव का हर दुकान तुम्हारे लिए बंद है। देखिए मैं आपका सामान कहाँ फ्री में ले रही हूँ, पैसे दे रही हूँ ना मैं, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओ मैडम, ये हमारा सिद्धपुर गांव है, यहाँ सारे के सारे इज्जत वाले बसते हैं, इज्जत वाले। आपके पैसों के सामने कोई नहीं नाचेगा, कोई भी नहीं। और रही बात सामान की, तो वो तो काल भैरव बाबा और दादा ठाकुर के खिलाफ जाने से पहले सोचना चाहिए था। इस गांव से अनाज का एक दाना ना मिलेगा। किरदार जानता है ना, हमारे यहाँ धोखेबाजों की अवगत करने का रिवाज ना है। फिर से यहाँ देखी तो धक्के मार के बाहर देना, क्या समझा? लखन। लखन, गांव के पंचों की अभी मौत ना हुई जो तू पंचायती करता फिर रहा है? वो शक्ति माई, वो अब देखो ना, दुकानदार की मर्जी, सामान बेचे ना बेचे, क्यों अब इसमें आप काहे दखल दे रही हो? जब कोई सांड बावला हो जाए ना तो उसे काबू में लाने के लिए दखलंदाजी करनी पड़ती है। गिद्धर, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा सामान बिचौलियों की सुनेगा तो सबसे हाथ धो बैठेगा, समझे? जी। है जाने दीजिए, जा। शक्ति माई, ये अब ये सबकी खबर रखे है शक्ति, भूखे पेट ना भोजन होए ना युद्ध। रख लो, शहर से लाया है, और किसी चीज की जरूरत हो तो त्रिशला से कह देना कि ला कर देगी। ये अरे ना ना ना, ये सब तो हम नहीं लेंगे। हाँ अगर तुम्हारी इच्छा हो काल भैरव मंदिर के दान पेटी में इसे चढ़ा देना। हम जानते हैं तुम्हारा विश्वास नहीं है, पर हमें जस मिल जाएगा। क्यों लखन,
ठीक कहा ना हमने? ले लो। तीन, एक, दो, तीन। लैडर 91। राहुल चाचू, अभी आपकी बारी। हाँ बेटा। बेटा एक मिनट। हाँ हेलो। सुना है मंदिर का राज जानने के लिए बहुत उतावले हो तुम। मिलेंगे, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे रात को ठीक 12 बजे काल भैरव मंदिर के पीछे वाले जंगल में आ जाना। कौन बोल रहे? अभिनंदन। हेलो हेलो, सिम कार्ड निकाल बे। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। ये किसका नंबर? कौन था वो आदमी? क्या सच में कोई कुछ बताना चाहता है या कोई खेल खेल रहा है? आज की रात इस गांव में राहुल की आखिरी रात होगी। खुले घाव से ज्यादा चुभ रहा है ये छोरा। उसे रात को मंदिर के पिछवाड़े बुलाकर उसकी जीवन चिवड़ी काट दो। से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसने मजाक उड़ाया है हमारे मंदिर का, हमारी भक्ति का, और इसके बाद भी अगर तू उससे मिली या उसके साथ दिखी ना तो पूरे गांव में तेरे माँ बाप सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। गौरी पावली हो गई है क्या? गौरी माँ बाबूजी की इज्जत को धूल में रौंदना है क्या? कहा था भूल जावेगी नंदू को, फिर क्यों जा रही है मिलने? जगह तो यही है पर यहां तो कोई नहीं है। कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? अगर सच हुआ तो वैसे तो हाँ ही सही, पर कुछ जानकारी मिल गई तो। शंभू पापा इस वक्त यहां कहीं? यही तो वो आदमी नहीं जो मंदिर का राज जानता है? Thank you.